मार्वल अवेंजर की बात नहीं कर रहा, मार्वल कॉमिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो गर्मी है, फैन ऑफ है, चार कॉमिक्स मैंने चुराया भी है। उसका नाम डोगा है। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आपको थंबनेल से तो पता चल गया होगा कि मैं आपको आज क्या दिखाने वाला हूँ। तो जी हाँ, आपने सही समझा, मेरा कॉमिक्स का कलेक्शन। सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है, फ़ैन ऑफ है, देख सकते हैं आप लोग। मैं सूट कर रहा हूँ फ़ैन ऑफ में, तो बहुत ज़्यादा पसीना मुझे आ रहा है। चलिए कोई नहीं, इसके लिए मैंने पहले से बंदोबस्त करके रखा है। तो गाइस, मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाता हूँ। OMG, इतना सारा कलेक्शन। ये मेरे बचपन का कलेक्शन है, कल परसों, 2 साल पहले, 3 साल पहले का नहीं, समझिए जब मैं फोर्थ क्लास में होगा। फोर्थ क्लास, आज से लगभग 10-15 साल पहले की बात है। ये 10-15 साल का कलेक्शन है मेरा। हर कॉमिक्स है मेरे पास, ये मार्वल का नहीं है भाई, ये राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स। तो गाइस, मैं अब आपको कॉमिक्स का कलेक्शन दिखाता हूँ अच्छे से, और उसके बारे में कुछ जानकारी भी दूंगा। देखिए क्या दिखाऊँ, इतना सारा कॉमिक्स है, ये सब राज कॉमिक्स है। देखिए सबका दाम, प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है, मूल्य प्राइस 20, संख्या 225, मैंने मतलब इसका इतना प्रिंट हो चुका है, 225, 2251 इस कॉमिक्स का निकल चुका प्रिंट। देखिए कैसा कॉमिक्स रहता है, हिंदी में रहता है, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। सब बहुत मज़ा आता है कॉमिक्स पढ़ने में, मेरा तो फेवरेट है, मैं अभी भी पढ़ता हूँ। बट अब कॉमिक्स ऑनलाइन में पढ़ता हूँ, अब मैं ख़रीदता नहीं, अब तो ऑनलाइन का सब कुछ ऑनलाइन ही होने लगा, तो मैं कॉमिक्स अब ऑनलाइन पढ़ता हूँ, अब मुझे ख़रीदना नहीं पड़ता। ऐसे बात नहीं कि खरीद नहीं सकता हूँ, लेकिन जब ऑनलाइन मिल ही रहा है तो आपको ऑनलाइन अब लेटेस्ट कॉमिक मेरे पास जो भी है, लेटेस्ट में कोई भी नहीं है, सब ऑनलाइन में अब पढ़ता हूँ। मतलब अब ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, कभी कभार रात में हुआ तो मैं ऑनलाइन कॉमिक्स पढ़ लिया, बट ये यही सब जो मेरा पुराना कलेक्शन है। और पीछे देखिए, ये तो ऊपर का है, जो ऊपर मैंने कलेक्शन रखा है, देखिए नीचे भरा हुआ और भी कलेक्शन है, मैं दिखाता हूँ आपको। सबका कवर गायब है, ये देखिए, ये तो कवर गायब, क्योंकि मैंने इसमें रख दिया। देखिए और भी है, सबका कवर गायब है, इसलिए मैंने साइड में रख दिया, सॉरी। अच्छा, मैं इस कॉमिक्स के बारे में बताऊँ, ये डायमंड कॉमिक्स का, ये डायमंड है, ये देखिए राज कॉमिक्स का हो गया, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए डायमंड कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स, राज कॉमिक्स। तो राज कॉमिक्स वाला जो जो है वो सुपर हीरो, उसका कॉमिक्स राज कॉमिक्स है जो सुपर हीरो। अच्छा, आपको मार्वल का तो पता है, आप लोग मार्वल के फ़ैन होंगे, तो मार्वल में, मार्वल अवेंजर की बात नहीं कर रहा, मार्वल कॉमिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसी से जो इतना कॉमिक्स है, उसी से जो हम लोग मूवी देखते हैं, उसी कॉमिक से निकल कर आया जो भी हम लोग मूवी देखते हैं। हाँ, थोड़ा हल्का फुल्का मूवी चेंज होता है, तो वही इंडिया में, मुझे पता नहीं इंडिया में सुपर हीरो की कमी नहीं है। ये देखिए नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, पास अलग अलग पावर है। ये देखिए, ये है नागराज, ये नागराज मेरा फेवरेट है, सुपर कमांडो ध्रुव, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सुपर कमांडो ध्रुव, अब ये मेरा क्यों फेवरेट है, सुपर कमांडो ध्रुव। बाकी जो भी कॉमिक्स में हैं, राज कॉमिक्स वाले, डायमंड कॉमिक्स नहीं बात कर रहा हूँ, तो राज कॉमिक्स में आपके जो भी सुपर हीरो हैं, सबके पास ताकत है, सबके पास पावर है। मतलब कुछ न, हवा में उड़ सकते हैं, कोई आँख से लेजर फेंक सकते हैं, हर तक कोई गायब हो सकता है, लेकिन ये सुपर कमांडो ध्रुव, इसके पास कोई भी पावर, कोई भी ताकत नहीं है। चुंबा का चक्रव्यूह, देखिए ये अपना सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करता है, कोई इसके पास पावर नहीं है, सब हिंदी में रहता है, कोई इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा हुआ। देखिए तो ये मेरा फेवरेट है। तो अब आते हैं हम लोग राज कॉमिक्स में, नागराज उसके बाद मेरा सेकंड फेवरेट है, नागराज। ये देखिए नागराज, ये नागराज, नागदेव नागराज, देखिए इसके पास ये क्या कर सकता है नागराज। एवेंजर तो आपने देखा ही होगा, हर के पास अलग अलग तरह के पावर है, हर हर के पास अलग अलग तरह की ताकत है। तो ये नागराज क्या करता है, नागराज अपने हाथों से, जैसे स्पाइडरमैन का तो आपने नाम सुना होगा, मेरा फेवरेट है, तो हाथों से जाल फेंकता है, तो नागराज अपने हाथों से सांप निकालता है। जी आपने सही सुना, नागराज अपने हाथों से सांप निकालने का उसके पावर है, ताकत है। जितना भी यहाँ पर कॉमिक्स है, राज कॉमिक्स, सब में सुपर हीरो के पास पावर है। तो मुझे ये आज तक समझ नहीं आया, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया वाले इन सुपर जो कॉमिक्स है, सुपर हीरोज़ पर मूवी क्यों नहीं बनाते हैं। किसी को मुझे लगता है तो पता भी नहीं होगा कि इंडिया में सुपर हीरोज़ को कमी नहीं है, सिर्फ शक्तिमान ही नहीं है। तो इन सुपर हीरोज़ पे मूवी बना सकता है, एक साथ जोड़ सकता है, पहले नाराज को लाए, ध्रुव को लाए, फिर बाद में जोड़ दे, जैसे मार्वल वाले उन्होंने एक एक करके सुपर हीरो बनाया। बट नहीं, पता नहीं, कोई बस लव स्टोरी हुआ, आया उसको बचाओ, ख़त्म, कहानी प्यार हो गया, फिर बनाओ भाई,
ये कॉमिक्स जो इतना मेहनत से उन्होंने बनाया है, मैं क्या बोलूँ, ये देखिए। और मैं आप भौकाल, ये थर्ड या फोर्थ मुद्दा या नहीं, भौकाल के पास पावर है एकदम दुबला पुतला पतला रहता है, आपने सुना होगा हल्क, हल्क तो हल्क एकदम नॉर्मल इंसान हम लोग जैसे रहता है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो वो सॉरी ब्रूस बैनर उसका नाम है, हाँ ब्रूस बैनर, तो वो हल्क बन जाता है गुस्सा जब आता है। तो यही इसके पास, जैसे ही इसके पास पावर आएगा तो जोर से आता है भौकाल, और इसके पास ये भौकाल जब पूरा पावरफुल बॉडी आ जाता है, इसके तलवार आ जाता है पावरफुल होता है, ये भी समझिए हल्क है, ये भौकाल हमारा हल्क है। तो गाइज मैं क्या बताऊँ, कलेक्शन मेरा मतलब मैंने तो आपको पहले ही शुरू में ही बताया कि मैंने बचपन से मैं ये सब कॉमिक्स कलेक्ट कर रहा हूँ, और सब में भी एक एक जो मेरा फेवरेट, शायद आप अगर पढ़ते होंगे तो आपका फेवरेट होगा, वो है चाचा चौधरी। हाँ चाचा चौधरी पर सीरियल भी बन चुका है, सीरियल का डेट मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कौन सा सीरियल था। तो चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी कोई जवान हट्टे कट्टे इंसान नहीं है, वो ओल्ड है, बूढ़े हैं। मैं आपको दिखाता हूँ चाचा चौधरी, चाचा चौधरी ये साबू है, इसने अमर का कुछ दवा खा लिया है, और ये चाचा चौधरी ये साबू है, दूसरे ग्रह से आया और पृथ्वी पर रहने लगा, इससे खिलाने में पता नहीं कितना हज़ार रुपया लाख रुपया डेली खर्च हो जाता है, लेकिन बोले कि चाचा चौधरी इतने गरीब आदमी, वो पैसा लाता कहाँ से, लोग उनकी हेल्प कर देते हैं। ये चाचा चौधरी तो दिमाग लगाने में सबसे आगे, देखिए इसमें हर अलग अलग पार्ट रहेगा, दो चार पेज का चोर अलार्म, देखिए देखा गाइस, देखिए अभी ख़त्म होगा इसका, फिर अगला पार्ट चलेगा। ये देखिए पेटू बोगो, ऐसा ऐसा नाम है ना, चोखा लाल मुर्दा पहलवान जोकर भैया, मतलब नाम में भी आपको हंसी आने लगेगा। चाचा चौधरी का ये कमाल है, चाचा चौधरी ने अपना पहचान छोड़ कर रखा है, उनका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, और साबु को जब गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी कहीं दूर फट जाता है। वाह क्या कमाल की बात है, क्या मैं बताऊँ गाइस, मैं तो दीवाना हूँ कॉमिक्स का, अभी भी दीवाना हूँ मैं, बट ऑनलाइन मैंने आपको फिर से बोला मैं ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ, आपको ऑनलाइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी पढ़ सकते हैं सुपर हीरो जो आपको अच्छा लगे। एवेंजर अभी जुट कर आ रहा है, तो इसमें इसमें भी है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एवेंजर कॉमिक्स का, एवेंजर इंडियन एवेंजर विद वंस, देखिए हर इसमें हर सुपर हीरो, ये जो भी है सुपर हीरो, ये ऊपर विलन है, ये भी मुझे याद है जहाँ तक सुपर हीरो बाद में अच्छा बन जाता है। हाँ ये सब सुपर हीरो, इसका नाम डोगा है, ये नागराज सुपर नाम ध्रुव है, ये परमाणु है, इसके हाथ से पाव निकलता है, इसका नाम मुझे याद, हाँ भेड़िया मुझे याद आ गया, भेड़िया इसका नाम है। एक 20 मूल्य का जिक्सा पजल मुफ्त, ओ जिक्सा पजल भी इसके साथ मुफ्त होगा। इसका देखिए कॉम, इसका प्राइस है 40 रुपया, बाकी सब का आप देखिएगा प्राइस, ये बहुत पुराना है तो इसका 16 होगा, उसके बाद 20 हो गया होगा, उसके बाद प्राइस 20 हो गया होगा, मैं देखता हूँ। 40 वाला जो है इसमें पूरा सुपर हीरो को मर्ज, एक पार्ट नहीं होगा ये, एक पार्ट में ख़त्म नहीं होगा, तीन चार इसका पार्ट बनेगा, मतलब लास्ट में वो कुछ ऐसा अचानक जैसे थैनोस वाला सीन हुआ था, लास्ट में उसने फिंगर कर दिया तो सब मर गए, उसमें इसमें वो इसी टाइप से फिर अगला पार्ट में देखिएगा, चौथा पार्ट इस तरह से। बहुत इंडिया वालों को मुझे मैं बोलना चाहिए, इंडिया हॉलीवुड सॉरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को, कि उन्हें इन कॉमिक्सों पर मूवी बनाना चाहिए, जो कॉमिक्स में सुपर हीरोज़ हैं, कॉमिक्स पर क्यों बना हुआ सुपर हीरोज़ हैं, उस पर मूवी बनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, तो गाइस आपको कैसा लगा मेरा कॉमिक्स का कलेक्शन ये मुझे कमेंट में बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, और ऐसे लाइक करिए वीडियो को, शेयर भी करिए दोस्तों को, शेयर भी करिए। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, शायद आपको हंसी भी आए, तो मैं इसमें से ज़्यादा नहीं, मतलब इक्का दुक्का दो तीन चार कॉमिक्स मैंने चुराया भी है। जी हाँ, जब मैं दुकान में जाता था तो वहाँ कॉमिक्स ऐसा नहीं, मतलब चार पाँच दस बीस ऐसे लगा रहता, तो दुकान वाले का ध्यान कहीं और है, जैसे ध्यान होता था मैं यहाँ पर ऐसे करके इसे नीचे रख लेता था, बोलता हाँ भाई नहीं लिया बाबू, नहीं अंकल आज नहीं लगा हूँ, अच्छा नहीं लगा कॉमिक्स, हमका पसंद नहीं आया, हम आज नहीं लूँगा। बोले ठीक है बेटा जाओ जाओ बाबू। तो कॉमिक्स तो मैंने ले लिया भाई, पहले ही छुपा लिया, कॉमिक्स ले गायब हो गया, लेकिन उस दुकान वाले को पता भी नहीं चलता था कि उस समय कॉमिक्स का क्या जमाना था, मतलब बहुत कलेक्शन था, हर कोई कॉमिक्स खरीदने आता था, मैं जब जाता था तो कॉमिक्स के लिए हर कोई एकदम भीड़ लगा रहता था, उस समय कोई सिनेमा हॉल वो सब वैसा कुछ नहीं, वैसे सिनेमा हॉल जाएगा तो तुम खाली खाली है, कोई वैसा भरा भरा, कॉमिक्स का जमाना था समझिए। तो कॉमिक्स मुझे छोड़े हुए, मतलब अब खरीदना मैं छोड़े हुए लगता है, आई थिंक 6-7 साल से मैं नहीं खरीद रहा हूँ। हाँ कभी ट्रेन वगैरह पर सफ़र किया आ रहे हो या बाहर से कोई आ रहा हो तो ट्रेन पर कॉमिक्स अभी भी बेचने आता है, अभी भी कॉमिक्स बेचने के लिए आता है, तो कभी कभार खरीद लेते, लेकिन जैसे 5 सालों में मुझे जहाँ तक याद है मैंने अभी तक कोई कॉमिक्स दूसरा नहीं खरीदा, लेटेस्ट में मतलब नहीं खरीदा। अब लेटेस्ट कॉमिक्स आता भी है
पेज भी थोड़ा और मोटा कर दिया है और डिज़ाइन अच्छा कर दिया है, तो प्राइस उसका थोड़ा हाई होगा। अब आपको 60 रुपये में मिलेगा और पेज भी ज़्यादा नहीं होगा। पहले कॉमिक्स का पेज मैं आपको बताता हूँ कितना है। पहले का कॉमिक्स मैं दिखाता हूँ, सॉरी 122 पेज 40 रुपये में, ठीक है 122 पेज 40 रुपये में। अब आपको मिलेगा 60 या 30 पेज 60 रुपये में, एक पेज का 1 रुपया। पेज का दाम नहीं, पेज अब प्लास्टिक जैसा रहेगा, बाल्टी में डाल दो फिर भी उसे कुछ नहीं होगा। अब मैं पक्का श्योर नहीं हूँ, मतलब पेज प्लास्टिक का आता है मैं इतना 100% श्योर हूँ, क्योंकि ये कॉमिक्स था वो, बट मैंने वो दोस्त को दिया। हाँ मैं देखा, ये देखिए ये कॉमिक्स, ये देखिए अब मैं दिखाता हूँ सब में, सिर्फ ये मेरे पास लेटेस्ट होगा और भी होगा। ये देखिए वरुण कांड, इसका पेज प्लास्टिक जैसा है, इसका पेज प्लास्टिक जैसा है। तो इसका प्राइस था मैंने है, सॉरी मुझे फोकस करना पड़ेगा, 40 रुपया 40 रुपया है, लेकिन पेज भी ज़्यादा नहीं है, पेज है 60-70 जैसा मैं कि मैंने बोला। देखिए पेज घट गया, पेज घट गया 76, उसमें था 40 रुपये में 2 पेज 122 पेज, और अब हो गया 70 पेज 40 रुपये में। और भी और महंगा भी है, 50-60-70 रुपये में कॉमिक्स मिलेगा इसका पेज, और दूसरों का आप क्वालिटी देख सकते हैं। तो गाइस चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपने देख लिया मेरा कॉमिक्स का कलेक्शन, मैंने बोला कि बहुत साल पुराना है सर, लेटेस्ट मैंने कोई भी नहीं खरीदा। ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको ये ब्लॉग। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टेक केयर, गुड बाय, और मास्क हमेशा बाहर लगा के चलिए।